उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहा श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण जोरों पर चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण की ताजा तस्वीरें जारी की हैं। चंपत राय के मुताबिक मंदिर अब दिव्य स्वरूप में दिखाई देने लगा है। मंदिर को आकार देने के लिए स्तंभों को लगाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने इन तस्वीरों को जारी करते हुए कहा है कि अब मंदिर में पिलर खड़े होने लगे हैं। इन खंभों को एक दूसरे से जोड़ा जाने लगा है। स्तंभ लगने के बाद मंदिर का आकार अब नजर आने लगा है। इसके बाद एक एक पत्थर को जोड़ा जाएगा। मंदिर निर्माण के साथ परकोटे का भी निर्माण शुरू हो चुका है। तस्वीरें बता रही हैं कि मंदिर कितना भव्य और दिव्य दिखाई दे रहा है। हर पत्थर में प्रभु श्री राम नजर आ रहे हैं, क्योंकि अयोध्या के कण कण में श्री राम है। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और जनवरी 2024 यानी मकर संक्रांति के बाद गर्भगृह को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि मंदिर के दूसरे तल पर निर्माण कार्य उस वक्त भी जारी रहेगा। यहाँ पर राम दरबार के अलावा माता अन्नपूर्णा, भगवान शंकर, बजरंग बली समेत कई मंदिर बनाए जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।